स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त राहुल धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के खेले गए दूसरे T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं। सबसे पहले छोटा सा काम, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला T20 मैच बारिश की वजह से पूरी तरह धुल गया था, बॉल नहीं हुई थी, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कुलबुलाहट दोनों ही टीमों में थी। दोनों ही टीमों वर्ल्ड कप में जैसा प्रदर्शन की उम्मीद थी, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन वर्ल्ड कप में था, बाकी उनकी जो मैं ये कह सकता हूँ जो उनका एक एंटिसिपेशन था कि हम वर्ल्ड कप में इस तरीके का T20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस करेंगे, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये दोनों ही टीमें अपना बेहतर साबित करने के लिए इस T20 मैच में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना चाहती थी। लेकिन पहला T20 मैच उस लिहाज से नहीं गया था क्योंकि बारिश की भेंट चढ़ा। दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड टॉस जीतते पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, कोई गलती नहीं की क्योंकि न्यूजीलैंड की जो पिचेज है पिछले शाम का टाइम वहाँ थोड़ा सा मौसम वेदर जो होता है क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से ना तेज गेंदबाज पिछले तेज गेंदबाज और जो स्विंग गेंदबाज है जो गेंद को अच्छी तरह हवा में लहरा पाते हैं, चाहे टीम सावधी है चाहे वो आपको माइन है, आखिर भी इफेक्टिव बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं। इसी का पूरा एक अंदाजा रखते हुए केन विलियमसन ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला सही भी साबित हुआ जब वो स्टार्टिंग में ऋषभ पंत की विकेट उन्हें मिल गई 6 रन के स्कोर पर, लेकिन फर्गुसन ने उनकी विकेट निकाली और ईशान किशन ने थोड़ी सी मैं कहूँगा जिस तरीके से वो बल्लेबाजी अब तक करते आए हैं IPL के बाद से अगर किन्हीं दो खिलाड़ियों का करियर ग्राफ चेंज हुआ है और उन्होंने मैं ये कह सकता हूँ कि जीरो के हीरो की तरफ बढ़ा है। दे आर वन ऑफ द हार्दिक पांड्या, सेकंड वन इज ईशान किशन। हार्दिक पांड्या में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं आफ्टर द IPL लास्ट सीजन इनक्रेडिबल रहे हैं उनके, पिछली वो एक बेहतर ऑलराउंडर बन के निखरे हैं और उसका हर मैच में आपको एक ताज़ा उदाहरण मिल सकता है। ईशान किशन की बल्लेबाजी में बहुत अच्छा फर्क पड़ा है, अब वो ज़्यादा अटैकिंग नजर आते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ODI मैचेस में उनके लिए जगह नहीं बन पाती क्योंकि जो एग्रेसिवनेस है ना, पर आजकल T20 के हिसाब से ODI चल रहा है, हर कोई चाहता है पहले के 15 ओवर में अगर आपको कोई एक ऐसा ओपनिंग बल्लेबाज 50-60 रन मारा देता तो दैट मींस कि ओके परफेक्ट है, 100 की उम्मीद नहीं करता। लेकिन इस मैच में सूर्य कुमार यादव इस खिलाड़ी ने हर मैच में परफॉर्मेंस दी है, ODI हो T20 हो, अच्छा T20 का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज बनते जा रहे हैं सूर्य कुमार यादव, परफेक्ट फिनिशर है ये। और सबसे बड़ी बात मिडिल ओवर का जो फीस होता है ना 10-15 ओवर का जो एक क्रूशियल टाइम पीरियड होता है 8-15 ओवर के बीच का, वहां ये बहुत अच्छी तरह फिट बैठते हैं जिस तरीके की बल्लेबाजी है और जिस तरीके से इन्होंने अटैकिंग मूड किया, जिस 115 रन 111 रन 51 गेंदों में 11 चौके और 7 छक्के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की आतिशी बल्लेबाजी रही होगी। और जो क्रूशियल फेज था खुद इनका एक स्टेटमेंट आया कि मतलब मुझे बल्लेबाजी करने में आनंद आया था और उस समय मैं चाहता था कि टीम स्कोर 170 तक हो जाए, लेकिन क्योंकि अब बॉल मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं कह सकता हूँ यूटिलाइज कर रहा था बॉल को और गेंदबाजी टीम की तरफ से कोई खास प्रभाव कोई कोशिश नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रोक्स खेलना ज़्यादा ईजी लगा बनस्पत इसके भी स्टार्टिंग में जब मैंने आई थिंक स्टेडियम के अंदर प्रवेश किया था उस समय जो स्टार्टिंग की गेंदबाजी की थोड़ी बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया गेंदबाजी में उतना धारदार उतना प्यारापन नजर नहीं आया और एक यही मेन वजह है जिसकी वजह से मेरा बैटिंग बेहतर हुआ और एंड में जो रन में टारगेट 170 का सोच रहा था वो 190 के आसपास पहुंचा। और ये उनकी स्टेटमेंट इस बात का एहसास दिलाती है कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में कहीं कोई कमी नहीं है। टीम सावधी आई थिंक जो ब्रेक थ्रू आपकी 3 विकेटें दिख रही है हार्दिक पांड्या के बाद दीपक हुड्डा एंड सुंदर की जो वो टीम सावधी ने अपने लास्ट ओवर में हैट्रिक लगाई है दैट्स व्हाट उसकी वजह से 3 विकेट गिरी है, अदरवाइज स्कोर जो 190 का था वो तो बन चुका था, उसमें कोई खास इजाफा या कमी नहीं हुई है। टीम सावधी की जो विकेट उनका स्पेशल एनालिसिस को सुधारने के लिए बेहतर है, अदरवाइज टीम के परफॉर्मेंस कोई फर्क नहीं पड़ा। 191 स्कोर था टारगेट 192 इसका पीछा करने न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम में स्पेशली मिचेल फिलिप्स केन विलियमसन कॉनवे पैवलिन इस तरीके के बल्लेबाज है कि ये स्कोर ज्यादा मायने नहीं रखता
और न्यूजीलैंड टीम खुद ही सेटिंग बल्लेबाजी चाहती थी, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्हें इस पूरे गेंदबाजी जीतने के बाद उन्हें जिस तरीके का गेंद बहुत ये उम्मीद इतने बड़े स्कोर की होगी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने इंडियन बल्लेबाज हार्दिक पांड्या से अवगत है, सूर्य कुमार से अवगत है, तो ये दिमाग में चल रहा होगा कि 150-60 का स्कोर बनेगा, विकेट कुछ हम निकाल पाएंगे इनकी, लेकिन वो उनके मन मुताबिक नहीं हुआ, जब इस टीम बल्लेबाजी करनी आई। देखिए जो आंकड़ा और जो अनुमान केन विलियमसन ने लगाया था ना, उसको पूरा उलट हुआ। उन्होंने जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उनकी थिंकिंग को, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने पर पूरा दारमदार इसमें था कि ओपनिंग पार्टनरशिप को बहुत जल्दी बिल्ड ब्रेक कर दूंगा, जिसका उन्हें फायदा मिला। वो उन्होंने आपका ऋषभ पंत की विकेट निकाली, लेकिन ईशान किशन और सूर्य ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, उनके सपनों को पूरी तरह से पानी फेर दिया। वहीं अगर इसको उलट हम इंडियन टीम की गेंदबाजी देखते हो, फाइव रन जीरो पे भुवनेश्वर ने उनकी विकेट निकाली, कॉनवे ने जो 25 रन बनाया, लेकिन उसके बाद से केन विलियमसन 61 और केन विलियमसन भी वो जो 192 का जो टारगेट था ना, आई थिंक वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए। उन्होंने 61 रन बनाया 52 गेंदों में, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे थे वो। आपको तकरीबन 10 रन प्रति ओवर चाहिए थे, आपके साथ कौन वे था, आपको एक बल्लेबाज स्टार्ट है या जब आपने 61 रन बनाया दैट मीन्स की और 50 गेंद खेली, ऑलमोस्ट 10 ओवर आपने खेला, उस दौरान आपने जैसे पहले विकेट गिरने के बाद कॉनवे के साथ आपकी पार्टनरशिप अच्छी हुई तकरीबन 35-40 रन की, उसके बाद डैरी मिचेल आया, फिलिप्स है, उनको आपने एक तो शुरुआती लम्बों में उनसे शायद ये स्ट्रोक्स प्ले करने को उन्हें खुद समय की नजाकत को समझते स्ट्रोक्स खेला, या उनसे आप कहते कि ना मैं सेटल हूँ और यहाँ से मैं चार्ज अप करता हूँ, कि मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा चार्ज लेना, बड़े हिट लगाना, क्योंकि आप न्यूकमर नए आए हो, आप थोड़ा पिच के मिजाज से अवगत हो जाइए गेंदबाजी से जब तक मैं स्ट्रोक्स खेलता हूँ, और ये एक ऐसी समझ, या फिर उनको गाइडलाइंस देते बताते हैं गेंद की और पिच के मिजाज किस हिसाब से है, किस तरीके का पिच बिहेव कर रही है गेंदबाजी में, भुवनेश्वर अर्शदीप सिराज किस तरीके से गेंदबाजी करें, चाहे चहल हो, तो ये थोड़ा सा उनको गाइड मिलता है। शायद फिलिप मिचेल जिमिनिशम इस तरीके के बल्लेबाज है कि अच्छा स्कोर बना, अच्छा हिट लगा सकते हैं और स्कोर का पीछा कर सकते हैं, पर यहाँ केन विलियमसन कैलकुलेटेड रिस्क से खेल रहे थे, जिसकी उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी थी, इफ दिस देन दैट, इफ दैट देन दिस, वो इन्होंने गणित लगा रखा था। और क्रिकेट में गणित आउट ऑफ फील्ड आप बना सकते हो, लेकिन उस गणित को बॉल बाय बॉल चेंज करना पड़ता है, जैसे डकवर्थ लुईस होता है कि आपने एक बना रखा है कि 5 ओवर तक इतने रन नहीं जाएंगे, तो क्रिकेट में कैलकुलेट रिस्क से आप काम नहीं चला सकते, वहाँ बॉल बाय बॉल सिचुएशन बदलती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लान बनाने होते हैं। तो यहाँ केन विलियमसन आई थिंक पूरी तरीके से चूक गए, गेंदबाजी में कैलकुलेशन लगाने में चूक गया, कि जिस तरीके से ना वो बॉल आपका बोल्ट का यूज सही था, फर्गुसन का यूज कर पाया ना टीम साउदी का, ना माइल का, गेंदबाजी अच्छी थी लेकिन वो आपका सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट एक प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वो उनकी पहले से जो भी उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उन्हें जानकारी होगी उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, कहाँ उसकी कमियाँ हैं उसको नहीं पकड़ पाया, तो ये एक पूरी तरीके से चूक है केन विलियमसन की। भारतीय टीम के अगर गेंदबाजी की बात करें, भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर में 12 रन 1 विकेट, देखिए विकेट एक ही मिली लेकिन 3 ओवर में 12 रन दिए, ये प्रेशराइज सिचुएशन होता है कि आप किस तरीके से ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, इस तरीके की गेंदबाजी से क्या होता है जो दूसरे गेंदबाज है ना वो वहां पर फिर विकेट निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड द टीम वर्क। उसके पास अर्शदीप ने 3 ओवर में 29 रन दिए कोई विकेट नहीं, मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 64 दो विकेट, दीपक हुड्डा आई थिंक दैट का एज अ रियली चमकार, 2 ओवर 4 गेंद 4 विकेट 10 रन, स्पिन यजुवेंद्र चहल 4 ओवर में 26 रन 2 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर 2 ओवर में 24 रन 1 विकेट, मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 24 रन 1 विकेट, तो इस जगह स्पिन इफेक्ट किया। और कई बार ऐसा होता है कि आप अगर न्यूजीलैंड के अंदर स्पिन चल रही है, इस शोरी को विकेट मिल रही है, दीपक हुड्डा को गेंदबाजी में विकेट मिल रही है, तो कमी कहाँ है, आखिर दीपक हुड्डा रेगुलर बेस पे तो गेंदबाजी करने थे, फिर केन विलियमसन और फिलिप्स की विकेटें निकलने के बाद जो सिचुएशन में थी, मिचेल 10 रन पे दीपक हुड्डा ने, उसके बाद निशम को 0 पे यजुवेंद्र चहल ने आउट किया, सेंटनर को मोहम्मद सिराज ने, माइल को दीपक हुड्डा, शोरी दीपक हुड्डा,
टीम साउथ दीपक गुप्ता तो आई थिंक एक जस्ट इन ऑर्डिनरी बॉलर के अगेंस्ट टीम बिखर रही है, तो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कमी है। आपने सामने वाली टीम को जो आकलन लगाया उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आपने बढ़िया तरीके से होमवर्क नहीं किया अपना, दैट्स व्हाई ये सिचुएशन आपके सामने आई। और एक आई थिंक 190 प्लस का जो टारगेट है इतना बड़ा नहीं था कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है स्पेशली और इंडियन टीम की जो गेंदबाजी जिसकी वजह से T20 वर्ल्ड कप से इंडियन टीम बाहर हुई, कोई भी ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आया जो अपना परफॉर्मेंस देश के इंडियन टीम को आगे ले जा पाता। उसने और एक न्यूट्रल सीरीज में न्यूट्रल मैच में न्यूजीलैंड को परास्त किया और न्यूजीलैंड टीम ने बेहतर तरीके से खेलते हुए। तो आई थिंक केन विलियमसन को थोड़ा सा स्टूड अप होकर एक डिसीजन लेना पड़ेगा, वो जो उनकी गणित कैलकुलेशन है उसको थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। प्लेयर बाय प्लेयर रिसर्च होनी चाहिए किस खिलाड़ी का। सूर्य कुमार यादव तो हर मैच में इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, सूर्य ने और ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, तो आपको इनके पीछे प्लान तैयार करने की जरूरत है आपकी गेंदबाजी में क्या पहना पड़े। आई थिंक अगेंस्ट इंडियन टेंथ बॉल इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, आप उसको क्यों नहीं यूज कर रहे। कुछ चीजें खुद से रियलाइज करने की जरूरत है। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएगा, कमेंट करने के कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।